हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भल्लास किचन। दोस्तों, आपने कढ़ी तो कई तरीके से खाई होगी, पंजाबी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, महाराष्ट्रियन कढ़ी, मारवाड़ी कढ़ी, मगर आज मैं आपके लिए एक ऐसी कढ़ी लेके आया हूँ। आप इस कढ़ी को 56 भोग में प्रसाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता और ये ज़्यादातर यूपी में बनाई जाती है। तो आप इस कढ़ी को भल्ला कढ़ी भी बोल सकते हैं, जैसा कि मेरा सरनेम अमित भल्ला भल्ला है। तो आइए देखते हैं मेरी वाइफ शिल्पी ने ये कढ़ी कैसे बनाई है। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर ताक छाछ लिया है। आप नहीं तो कर्ड लेके उसमें भी पानी मिला के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर करीब 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ और इससे हम एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ी सी छाछ डाल के पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि सारे लम्ब्स बेसन के ख़त्म हो जाएं। अगर आपका कोई लम्ब्स दिख भी रहा है तो आप उसको अच्छे से मिक्स करिए, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार मिक्सी में उसको चला लीजिए तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लम्ब्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके, ये देखिए, मैंने अच्छे से एक कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके आप छाछ डालेंगे तो आपको लम्ब्स बिल्कुल नहीं आएंगे। अब मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, उसमें चुटकी भर हींग डाली है। अब इसको मैं अच्छे से फेटूंगी थोड़ा पानी डाल के। हमें इससे पकौड़ी तैयार करनी है। इसको फेटना बहुत ज़रूरी है और बहुत देर तक हम इसको फेटेंगे। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं फेट सकते, तो आप सोडा डाल सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ी देर रख दें। अब देखिए ये कैसे पानी में तैर आई है, तो इससे पता चल रहा है कि मेरी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल में हमें पकौड़ी को डुबोना नहीं है, तो तेल हम बहुत कम लेंगे और अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी करके हम पकौड़ी डाल देंगे। ये देखिए हमारी पकौड़ी में कैसे बबल्स आ गए, इससे ये पता चल रहा है कि हमारी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने, क्योंकि तेल बहुत कम लिया था, तो उतने ही तेल में अब मैं एक तड़का बना रही हूँ। मैंने थोड़ी सी मेथी दाना, जीरा और राई डाली है। 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से मेथी दाना लिए, और साथ में मैंने 1/2 चम्मच हींग डाली है। जब ये अच्छे से तड़क जाएगी तब मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और जो बैटर घोल हमने बना के रखा है उसको हम डाल देंगे। ये देखिए इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं दिख रहा है। अब इसको मैं धीरे धीरे चलाती रहूंगी। अब हमें इसे एक अच्छा सा उबाल देना है और इसी स्टेज पे मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी। अब इसको हम अच्छे से उबाल आने तक वेट करेंगे। कच्चा आँच मेरी तेज है अभी, और इसको एक अच्छा सा उबाल देंगे। ये देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हम आँच को सिम कर देंगे। करीब ये 5 से 6 मिनट मैं इसको सिम करके पकाऊंगी। ये देखिए मेरी कढ़ी को 5 से 6 मिनट पकते हुए हो गए हैं। अब इसमें जो हमने पकौड़े बनाए थे उनको डाल के फिर से एक अच्छे से उबाल दूंगी। जब तक हमारी ये कढ़ी उबल रही है हम उसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैं एक तड़का पैन लेने जा रही हूँ। उसमें मैंने करीब 2 चम्मच घी डाला है। घी का तड़का ही इसमें दें आप कढ़ी में, बहुत स्वाद आएगा। अब घी गरम हो गया अच्छे से, उसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 खड़ी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा रंग आएगा।
देखिए मैं अब इसको सर्व करने जा रही हूँ। मैंने एक बाउल में कढ़ी निकाल ली है और ऊपर से मैं इसमें तड़का डालूंगी जो अभी हमने तैयार किया है। हमारी कढ़ी तैयार है। आपको ये हमारी कढ़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।